राम राम भाई लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्लियर ब्लॉग में। जस्ट सुबह सुबह उठा हूँ 8 बजे, थोड़ा लेट हो गया उठने में क्योंकि रात को बहुत लेट से सोया था। मेरा अपनी बेटी को पिंक जो भी मैं जस्ट खरीद के लाया हूँ, कल ही लाया हूँ। देखो क्वालिटी देखो इसकी, ये रोलेक्स। अभी खाना आना अच्छे से खा नहीं रहा, थोड़ा सा परेशान है, पर खाने लगेगा धीरे धीरे। अभी डरा डरा सा है, खाना वाना अच्छे से नहीं खा रहे, पर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। रे रहा जॉय, जो किसी को देख रहा है गेट के बाहर, अटैक करने के चांस में है। तब चलता हूँ, दोनों को खाना वाना ला के थोड़ा देता हूँ। खाना भी नहीं खाया, ये तो अभी छोटा बच्चा है तो इसको खाना जल्दी जल्दी देना पड़ेगा। दिन में कम से कम 3 या 4 बार फीडिंग करानी पड़ेगी। रोलेक्स को ग्रिप लगाना सिखा रहा हूँ, अभी कपड़े पे ग्रिप नहीं लगाते हैं, बोतल पे लगा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सीख जाएगा धीरे धीरे। गुड बॉय, मैं हूं तो जो इस पे अटैक नहीं कर रहा है। कम ऑन, अटैक तो नहीं कर रहा है अभी, बात का पता नहीं। जॉय को बोन दिया है खाने के लिए, रोलेक्स को दिया दो तो खा ही नहीं रहा है। जॉय खा रहा है अपना अच्छे से। रोलेक्स मानली जो एक बात, अब हड्डी रोलेक्स को दी है, देखते हैं खा रहा है कि नहीं। वैसे काफी एक्साइटेड दिख रहा है खाने के लिए, देखते हैं। खाने में इसको दही और राइस रोटी दी तो खा ही नहीं रहा है, इसको रॉ चिकन ही चाहिए खाने के लिए। अभी बोन दी है, देखते हैं क्या कर रहे हैं। और जॉय वहाँ पे है, जॉय अपना हड्डी ढूंढ रहा है जो मैंने रोलेक्स को दे दी। रोलेक्स सारा खाना वैसे ही छोड़ दिया है, खा ही नहीं रहा है। तो लगता है इसके लिए चिकन लाना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रीडर है उसने बोला कि मैंने इसको बस चिकन ही खिलाया है, तो अभी शुरू में चिकन ही खिलाओ, और ट्रांसपोर्ट से आए तो बहुत पतला भी हो गया है, लेके आना पड़ेगा। चलता हूँ चिकन लाने, चिकन लेके आता हूँ उसके लिए। तो ये रख लिया हूँ चिकन, ये रख लिया हूँ चावल, और ये मार्केट से लेके आ गया हूँ चिकन। चिकन का मैंने कीमा बना दिया है, ऐसे छोटे छोटे पीसेज में करा दिया है। अब इसको डालता हूँ चावल में। जॉय भी उधर से देख रहा है, जॉय की भी निगाहें एकदम चिकन पे ही हैं। क्या मुझे भी मिलेगा, थोड़ा सा इसके लिए भी है। अगर आप नहीं खाए तो इसकी हालत और खराब होती जा रही है, क्योंकि एकदम पतला हो गया है, देखने में ही लग रहा है। फाइनली इधर जॉय खाना खा रहा है अपना, फिनिश कर चुका है, थोड़ा सा और बचा है। इधर रोलेक्स खा रहा है अपना, रोलेक्स बहुत धीरे धीरे खा रहा है। ट्रांसपोर्ट से आया तो ट्रेन में ही काफ़ी दिन हो गए थे, मुझे लग रहा है ट्रांसपोर्टर ने अच्छे से ख्याल नहीं रखा है, तो काफ़ी पतला भी हो गया है। खैर अब ठीक हो जाएगा, 2-4 दिनों में मस्त खिला के इसको एकदम टंच कर दूंगा। फाइनली अब टाइम 7:30 हो गया है, रात हो गई है, और डॉग्स को खाना दे दिया है मैंने। तो अब अपने ड्रीम की लड़ाई शुरू करता हूँ, और मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और प्लीज़ सपोर्ट करो भाई लोग, क्योंकि मेरा चैनल थोड़ा नया है और मैं अब शुरू करता हूँ अपनी पढ़ाई।